सब्सक्राइब करें यूनिक किचन को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर बला से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यूनिक किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रॉड बीन की रेसिपी। ब्रॉड बीन बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। ये दो आलू लिए हैं मैंने बड़े साइज़ के, इनको मैंने काट लिया है पील करके अच्छे से और पानी में डाल दिया ताकि काले ना हो जाएं। ब्रॉड बीन लिए हैं मैंने 400 ग्राम, ये मेरे पास फ्रोज़न है, आप फ्रेश भी यूज़ कर लें नो प्रॉब्लम। इसके साथ मेरे पास दो प्याज हैं जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है, ये मीडियम साइज की प्याज है। ये जी 3 अदद मेरे पास टमाटर हैं और ये थोड़ा सा कोकोनट है। कोकोनट को और टमाटर को हम ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। 1 कप मेरे पास ऑयल है। गरम मसाला मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। रेड चिल्ली पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। ज़ीरा लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। और अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरे पास 1 टेबल स्पून। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए है, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। अब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। जी ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये जीरा ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीरे को हल्का सा कड़कड़ाते हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्याज हमारी फ्राई हो गई है, अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देते हैं और 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अदरक लहसुन हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, अब मैं इसमें डाल दूँगी ये टमाटर और कोकोनट का पेस्ट, जिसको मैंने टमाटर और कोकोनट को अच्छे से ग्राइंड कर लिए है, ये डाल देते हैं और इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टमाटर का पेस्ट हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं ये नमक। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने ये धनिया पाउडर लिया था, ये डाल देते हैं। हल्दी और रेड चिली पाउडर, मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें ब्रॉड बीन डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से फ्राई करेंगे, इनको सेम की फली भी कहते हैं और ब्रॉड बीन भी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बीन्स हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आलू। आलू को भी इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सब्जियां हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं, बीन्स और पोटैटो। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हम इतना ही डालेंगे कि ये आलू और बीन्स जो हैं वो गल जाएँ और एक थिक सी ग्रेवी जो है ना वो बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखिए पानी ऐड मैंने इसमें कर दिया है, तकरीबन 1 लीटर के करीब मैंने पानी डाला है। बस इतना ही डालेंगे कि आलू जो है वो अच्छे से गल जाए और बस ठीक सी इसकी करी बनाएंगे हम, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो पकने का वेट करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये देखिए आलू ग्रीन की हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी करी जो है बनके रेडी हो गई है। यहाँ पे हम डाल देते हैं गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरम मसाला ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और चूल्हा कर देंगे हम बंद। सब्ज़ धनिया डालेंगे जब हम खाना सर्व करने लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये देखिए हमारी मज़ेदार सी ब्रॉड बीन और पोटैटो करी बनके रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दे के बताइएगा आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इससे साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। मिलती हूँ किसी और इजी और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।